दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या बीच में संकल्प ले लेके आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये कुछ गलतियां हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आप हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो आप ये गलतियां बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, घंटी भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी जाता रहे। तो इस तरह से आप करें। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन गलतियों को बिल्कुल ना करें जो मैं आज बताने वाली हूँ हनुमान चालीसा पाठ में। दोस्तों, हनुमान जी तो आपको पता ही है ना, हनुमान जी का कितने शक्तिशाली है हनुमान जी हमारे। कहीं किसी और देवताओं के पास भागने की जरूरत ही नहीं है। हनुमान जी जितेंद्रिय है और दूसरा वो अभी तक जिंदा है। हनुमान जी गए नहीं यहाँ से, है ना। बस आप याद करोगे चुटकी, और आप उनको बुलाने के लिए क्या करोगे? राम जी को याद करो, हनुमान जी आते हैं। राम जी हनुमान जी को भेजते हैं, जाओ जाओ देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहां पर। तो ऐसा है हनुमान जी। तो दोस्तों, हनुमान जी का अगर आप पाठ करने का संकल्प लेते हो तो इन गलतियों को कभी ना करें। इसमें सबसे पहली है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो देखिए, घर में तो कर ही रहे हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन या दो दिन, मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं। देखिए, शिव जी और हनुमान जी की पूजा मंदिर में ही होती है, शनि देवता की पूजा भी मंदिर में ही होती है। अगर आप हनुमान मंदिर में बैठ के शनि मंत्र का जाप करते हो ना, तो बहुत जल्दी काम करता है वो, ठीक है ना। तो शिव जी और हनुमान जी ऐसे हैं कि जिनको मंदिर जाना पड़ता है उनके लिए। तो कोई बात नहीं, आप घर में आप कर रहे हो ना, लेकिन हफ्ते में दो दिन आप मंदिर जाएं, भगवान को भोग लगाएं, उनके लिए बूंदी ले जाएं, प्रसाद चढ़ाएं और थोड़ी हनुमान मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ें। दूसरी बात क्या है कि आपका भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए। भाई, आप किसकी पूजा कर रहे हैं तो उसके चरित्र को अपना लो। तो हनुमान जी शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी, तो आपको तामसिक भोजन उस समय नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन नहीं करते, उसके बाद करने लग जाते हैं। तो ऐसा भी ना करें भाई। जब आपने अगर आपने 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है, तो क्या 11 दिन बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ देते हो? अगर छोड़ते हो तो गलत है। अब 11 दिन तक आपने संकल्प लेके हनुमान चालीसा पढ़ी, तो उसके बाद आप रोज एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना, उसको कंटिन्यू रखना है, वही सिद्धि देता है ना। तो उसको ऐसे छोड़ना नहीं है। और लोग, कुछ लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो मंगलवार को तो सात्विक भोजन करते हैं और बाकी दिनों वो मांस वगैरह खा लेते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। अब तब इसीलिए इतनी मेहनत करके भी उनको हनुमान कहते हैं, हमें तो हनुमान जी से कुछ नहीं मिला है। तो भाई, खुद पे भी तो देखो, आपने कोई गलती तो नहीं करी है। तो तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। अगला, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन मतलब लगभग हर पूजा में कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन ब्रह्मचर्य स्त्री प्रसंग ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप सबसे पहली बात तो यहाँ होता है ना, सोच में आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना। तो ये सब ब्रह्मचर्य का, तो ब्रह्मचर्य की पालन में आपकी ब्रह्म बने भगवान, चर्य मैं दिनचर्या, भगवान की जैसी दिनचर्या होती है वैसे आपकी रहे। आप सोचो, ये है ब्रह्मचर्य, है ना। तो हमारे बच्चे खासकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठे हैं, है ना, उठ के अपना जो
नित्य नहान स्नान करा, ध्यान पूजा पाठ करा, फिर उसके बाद थोड़ी देर अपना गीता पढ़ ली, थोड़ा सा फिर अपने काम पे लग गए, ये है ब्रह्मचर्य। और हर समय भगवान को याद करते रहें, अपने कर्म सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, लोगों की सेवा करें, ये सब लगाएं ब्रह्मचर्य में ही आएगा, ठीक है। गलत काम बिल्कुल ध्यान रखें, अपने कर्मों पर बहुत पैनी नज़र रखें कर्मों पे कि आप कर क्या रहे, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चौथी चीज़ है कि मासिक धर्म अगर चल रहा है औरतों को, तो उस समय हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। लेकिन ठीक है ना, आप भगवान के आगे बैठ के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हो, भगवान को पुष्प फूल वगैरह कुछ अर्पित नहीं कर सकते हो, लेकिन आप हनुमान चालीसा सुन तो सकते हो ना। तो उन दिनों आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा सुनना है, लगा दो। और अगर काम कर रहे हो आप हनुमान चालीसा सुनते रहो। तो अगर आपको पढ़ना नहीं है तो सुनना है भाई, है उन दिनों पे। अगला है भगवान राम के मंत्र का जाप करना, इससे हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। अब हनुमान चालीसा से पहले, हनुमान चालीसा से पहले राम मंत्र का जाप करना है, है ना। और उसमें क्या, एक तो विष्णु सहस्र नाम है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरभि सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानरे। 11 बार इस मंत्र का जाप कर लो, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। देखो हनुमान जी दौड़े दौड़े आते हैं, कौन बोल रहा है राम, उनके कान खड़े रहते एकदम, राम राम किसने जपा, है ना। राम रामाय नमः, ये भी जाप कर सकते हैं। श्री राम जय राम, ये भी आप गा सकते हैं वहां पर थोड़ी देर। अगला क्या है, सप्ताह में एक दिन उन्हें भोग जरूर दें। अब आपने हनुमान चालीसा का पाठ करते हो और रोज आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा एनर्जाइज करो उसको, मंत्र को, हनुमान चालीसा को एनर्जाइज करो। उसके लिए आपको हनुमान जी को भोग देना है। भोग में क्या देना है आप ध्यान से सुनो। आप एक जिसमें तांबे की कोई ऐसी ले लो, जिसमें हवन कुंडी टाइप की छोटी, उसमें 2 लौंग 1 बतासा का भोग लगाओ और एक कपूर जलाओ वहाँ पर, 2 लौंग 1 बतासा, उसको जला करके हनुमान जी को भोग दो। भोग देने का मतलब क्या है, आप अग्नि में जो भोग देते हैं ना, उससे देवता बलवान होते हैं। अब आप नहीं चाहते क्या कि हम बलवान, आप अपने लिए मांग रहे हो मैं बलवान बन जाऊँ, उससे पहले भगवान को भी बलवान कर दो ना उन्हीं का बल फिर आपको मिलेगा। तो जब हम भोग देते हैं, हम अग्नि में उनके नाम की आहुति देते हैं स्वाहा बोल करके, तो उससे क्या होता है, देवता बलवान होते हैं। तो जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो, जिस देवता का आप जाप कर रहे हो, वो देवता बलवान होते हैं। तो आपने सप्ताह में एक दिन क्या करना है, सप्ताह में एक दिन आपने भगवान को भोग भी देना है। वैसे तो रोज भी दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलो इतना समय नहीं रहता है, तो सप्ताह में एक दिन आप मंगलवार ही चुन लें, तो उस दिन आप उसका हनुमान जी को भोग लगाएं, 2 लौंग और 1 बतासा और थोड़ा सा कपूर में उनको जलाया, स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। इस तरह से आप उसको हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं हफ्ते में एक बार। अगला है ये जो मैं बता रही थी कि हनुमान चालीसा का अगर आपने जो संकल्प लिया था वो पूरा होने के बाद हनुमान चालीसा बंद नहीं करनी चाहिए, कंटिन्यू हनुमान चालीसा एक बार तो कम से कम उसको हमेशा गाना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हनुमान जी के जब आपने हनुमान जी का की पूजा का संकल्प ले रखा है, उन दिनों आपके कर्मा में, आपके चरित्र में एक गुण जरूर होना चाहिए, और वो गुण होना चाहिए सेवक का। सेवक, हनुमान जी सेवक थे, बहुत अच्छे, हर समय राम जी की उसमें हाथ जोड़ के बैठे रहते थे कि आप प्रभु आज्ञा करो और हम तैयार हैं। तो फिर आप उन दिनों कम से कम बिल्कुल सेवा करते रहे, आप बाहर निकल रहे हैं, आपको लग रहा है किसी को सेवा की जरूरत है, वहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा करो, अपने मम्मी पापा के सेवक बने रहो। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, कोई बीमार है, उनकी सेवा करो, ठीक, निस्वार्थ भाव से।
तो हनुमान चालीसा आपकी बहुत जल्दी सिद्ध होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। छोटी छोटी गलतियां हैं, आप इनको बिल्कुल ना करें। आशा करती हूँ आप सब समझ में आपके आ गया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें ध्यान नहीं रहता इन सब चीज़ों का। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, तभी तो बड़ी चीज़ पानी है ना। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।